टेंथ अर्थशास्त्र, इसका जो फोर्थ चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। प्रथम टाइप है वो है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। वैश्वीकरण किसे कहा जाता है? तो वैश्वीकरण है वो विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की ओर वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का प्रारंभ है वो भारत में कब हुआ था? तो 1991 में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का प्रारंभ भारत में हुआ था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का निर्धारक है वो कौन है? विश्व व्यापार संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है कि कौन सी कंपनियां एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां व कार्यालय है वो स्थापित करती है? तो वे होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां व कार्यालय स्थापित करती है। नेक्स्ट है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार। दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान विदेशी व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार व ज्यादा सुविधाएं किसे प्रदान की है? तो सबसे ज्यादा सुविधाएं है वो डेवलपमेंट जो देश हैं उनको की है। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस रूप में ज्यादा संपन्न मानी जाती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो तकनीकी रूप से, वित्तीय रूप से, वस्तु व सेवा की गुणवत्ता में ज्यादा संपन्न मानी जाती है। नेक्स्ट है कि प्रतिस्पर्धा और वैश्वीकरण के दबाव का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? तो इसका सबसे अधिक प्रभाव है वो श्रमिक वर्ग पर पड़ा है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान का क्या प्रभाव पड़ा है? तो इससे भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु सरकार के प्रयास क्या होने चाहिए? तो न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु सरकार है वो व्यापार एवं निवेश के अवरोधकों का उपयोग, श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन और छोटे उत्पादकों के कार्य का निष्पादन में सुधार के प्रयास है वो होने चाहिए। नेक्स्ट है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। फर्स्ट है इसका कि विदेशी निवेश किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो कम लागत वाले स्थानों पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। इस उत्पादन हेतु किया गया जो निवेश होता है उसे ही हम विदेशी निवेश है वो कहते हैं। विदेशी व्यापार क्या कहलाता है? तो विदेशी व्यापार है वो घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों का अवसर प्रदान करता है, जिससे विभिन्न देशों के बाजार है वो आपस में जुड़ सके, मतलब एकीकृत हो सके। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से क्या अभिप्राय है? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों से अभिप्राय है कि परिवहन प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति से है। इसके अतिरिक्त सूचना एवं संचार तकनीकी उन्नति भी महत्वपूर्ण कारक है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उदारीकरण से अभिप्राय है कि आयात निर्यात व विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने से है अथवा इन्हें कम करने से है। नेक्स्ट है कि भारत में लघु उत्पादकों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक आधारभूत चीजें हैं वो कौन सी है? तो बेहतर सड़कें, बिजली पानी, कच्चा माल, विपणन एवं सूचना तंत्र के साथ ही प्रौद्योगिकी में सुधार एवं आधुनिकीकरण व उचित ब्याज दर पर साख की उपलब्धता आदि महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अभिप्राय ऐसी कंपनियों से है कि जिनका व्यवसाय है वो एक से अधिक राष्ट्रों में फैला होता है, जिनसे उत्पादन मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति तथा श्रम सस्ते शर्तें निर्धारण की अपार क्षमता होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो विदेश में निवेश किस प्रकार करती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेश में सीधे ही कारखाने स्थापित कर सकती है, साथ ही स्थानीय कंपनियों को भी वो खरीद सकती है तथा स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर भी संयुक्त उत्पादन कर सकती है। इस प्रकार वो अपना निवेश करती है। नेक्स्ट है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजी क्षेत्रों पर लगे कड़े नियंत्रण को हटाकर उन्हें आवश्यक निर्णय लेने होते स्वतंत्र करना ही निजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में निवेश का है वो क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के कारण भारत में विदेशी निवेश भी बढ़ा है। इसके साथ ही भारत में जो नए नए उद्योगों की है उनकी भी स्थापना हुई है,
साथ ही गुणवत्ता युक्त वस्तुओं की उपलब्धता व रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है।